और हमारे बालाजी महाराज से प्रार्थना कि आप आगे दिन प्रति निरंतर आगे आपका भविष्य उज्ज्वल हो और इस प्रकार से भगवानों की कथा में लगे रहो और कार को बढ़ाते बढ़ाते आपके परिवार को सुख शांति प्राप्त। देखिए, एक तो हनुमान जी महाराज की चरणों में जैसे विधि अनुसार बालाजी के नियमानुसार एक अर्जी और दरखास्त भी लगाई जाती है, तो उसको 40 दिन तक आदमी संपूर्ण श्रद्धा विश्वास से आकर के बालाजी के यहाँ माथा टेकता है, वो करता है, तो जो बांझ होती है उसको पुत्र प्राप्त हो जाता है, निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है, और जो जिसके राज के लड़ाई झगड़े हैं मैंने देखा है प्रत्यक्ष, वो भी बालाजी महाराज की कृपा से देते हैं। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, असंभव काम को संभव बनाने वाले हैं। जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल में भव और विद्या, धन बल में भव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको जय सियाराम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहु को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए तो जीवन में सब संभव हो जाता है, सब सुगम हो जाता है। आज एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं, ये दिल्ली का विवेक विहार है और यहाँ पे श्री हनुमान जी बालाजी महाराज साक्षात यहाँ विराजमान हैं और बालाजी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका, जय सियाराम जी। पंडित जी, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम राजन प्रसाद शुक्ला जी। पंडित जी, इस मंदिर की काफ़ी महिमा है जी, भक्तों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय ये मंदिर है जी, और बालाजी तो संकटों को हर लेते हैं जी, जी। हम चाहते हैं कि भक्तों को बताएं कि यहाँ की क्या विशेष महिमा है जी। देखिए, बालाजी महाराज की कृपा से जो भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है, बालाजी महाराज उनकी संपूर्ण मनोकामना पूरी करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन वाले को धन प्राप्ति होती है, पुत्र वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसके ऊपर ऊपरी संकट भी होते हैं तो कोई कुछ नहीं करता है, बालाजी महाराज ही संपूर्ण कृपा करते हैं। और जो भी
सच्चे मन से आता है। देखिए जो हमारा गेट है जी, प्रवेश गेट है, उसमें जो लिखे हैं वर्णमाला के अक्षर, तो क्या लिखे हैं, हिंदी के छोटा बड़ा लिखे हैं, तो छोटे बन के प्रवेश करते हैं और बालाजी महाराज उनको बड़े बन के यहाँ से जाने की आज्ञा देते हैं। जो रोते रोते आते हैं उनको हंसते हंसते भेजते, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान हनुमान जी महाराज ने अपना मान घटा करके, और भगवान राम, हनुमान का मतलब यही है, अपने मान का अपने उसका, उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि मैं ऐसा करता हूँ, जो कुछ करा है वो भगवान ही करते हैं। इसी प्रकार से भक्तों की संपूर्ण जो मनोकामना है वो हनुमान बालाजी महाराज मंगलवार को के दिन में और शनिवार के दिन में इनका संपूर्ण प्रवेश पूरे इस प्रांगण में रहता है, और जैसे ही अगर किसी के ऊपर कोई परेशानी है या कुछ भी है जी, बाहरी बाधा है, अपने आप भगवान उसको पकड़ करके किसी भी रूप में अलग कर देते हैं। उसमें किसी की कोई महिमा नहीं है, खाली बालाजी महाराज की है। पंडित जी आपने तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जो छोटा बन के मंदिर आता है हाँ, हनुमान जी की शरण में हाँ, हनुमान जी उसे बड़ा बनाकर हाँ, यहाँ से भेजते हैं। हमने इसीलिए वर्णमाला के जो अक्षर है 48 अक्षर होते हैं छोटा बड़ा के, अच्छा, इसीलिए आपने कहीं लगे नहीं देखे होंगे, इनकी कृपा से ये ऐसे बुद्धि देते हैं पूरी सनातन धर्म की जितनी चीज़ें हैं इस मंदिर में, धीरे धीरे करके इसमें सभी जो है लगाई जाती हैं। वर्णमाला के अक्षर लगे हुए हैं, संजीवनी बूटी वाले बाबा लगे हुए हैं, कल्प वृक्ष लगा है जो मनोकामना की पूरी करता है, ये आपको हनुमान चालीसा है, ये पूरा हनुमान चालीसा हाँ, है, ये रजत में है जी जी, चांदी में वर्णित है, हनुमान अष्टक लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ तो हमने सुना है कि हनुमान जी तो नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, तो यहाँ पे कुछ विशेष लोगों को दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिससे कि लोगों का इलाज हो जाता है, वो क्या है पंडित जी? जी, दवा के लिए तो यहाँ वैसे तो दवा देने वाले हनुमान जी महाराज ही हैं, पथरी की दवा का भी आयोजन होता है, तो पथरी की दवा जो है डॉक्टर रोशन लाल जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, उनके पुत्र हैं संदीप जी, वो जो है संचालन करते हैं, तो ये सब हनुमान जी की कृपा से, उन्हीं की कृपा से होती है जो भी है दवा, उन्हीं की कृपा, और श्वास की दवाई भी मिलती है, और इनकी कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से इनका एक औषधालय जो सारी जांच है कड़काडूमा कोर्ट में है, और एक मोदी नगर में है, इन्हीं की कृपा से, और एक कैंसर हॉस्पिटल भी इन्हीं की कृपा से, नासे रोग है सब पीड़ा जो निःशुल्क चलेगा, और जो मोदी नगर में है 345 बेड है कैंसर हॉस्पिटल, हाँ 350। तो हनुमान जी तो बाबा वैद्यनाथ के ही स्वरूप हैं हाँ, और भक्तों की जिज्ञासा रहती है पंडित जी, चूंकि कलयुग के साक्षात देवता है हनुमान जी, जी जी, हनुमान जी भक्तों पे कृपा कैसे करेंगे, कैसे प्रसन्न होंगे हनुमान जी? देखिए, भगवान भक्त के हृदय में निवास करते हैं, जो सच्ची श्रद्धा से आता है भगवान के मन, भक्त के मन में ही भगवान की श्रद्धा होती, भगवान के रूप में ही भक्त आता है, भक्त की महिमा में भगवान अपना प्रण भी तोड़ देते हैं हनुमान जी महाराज, उनका भी प्रण टूट जाता है, जो सच्ची श्रद्धा से आता है उसका संपूर्ण काल सिद्ध होता है, और दोनों टाइम दोनों समय भगवान सभी को भोजन देते हैं, ऐसी कृपा है, यहाँ से कोई कितनी भी टाइम भूखा नहीं जाग गया, सबको हनुमान जी प्रसाद देते हैं जी जी। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे जो भक्त हैं जो दूर से दर्शन कर रहे हैं बालाजी महाराज का, वो चाहते हैं कि उन पर बालाजी कृपा करें, तो उसके लिए कुछ विशेष विधि, कुछ उपाय, कुछ पाठ अगर आप भक्तों को बताना चाहें। देखिए, भगवान हर जगह हैं, आप देखिए जिसको जैसी श्रद्धा है वो वहीं से भगवान का नमन करता है, तो भगवान उनको भी जो जैसे हम चल करके बद्रीनाथ जाते हैं, तो चलने का फल आपके यहाँ आने की उसकी तपस्या थोड़ा बराबर होती है, लेकिन फल सबको यहाँ से भी जो ज्ञान ज्ञात करता है अपने अनुसार सिद्धानुसार उनको भी मिलता है। जी जी जी, यहाँ मंदिर में आने का है मन स्वच्छ हो जाता है, आदमी जो है एक क्षण के लिए सब कुछ भूल कर भगवान में लीन हो जाता है। यानी भक्त अगर हनुमान जी का नित्य दर्शन ही करें हाँ, तो उनके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लिखा भी है कि जपत निरंतर हनुमत वीरा, हनुमत वीरा,
और जो सतबार, जो सतबार, सतबार का मतलब सौ नहीं है, सतत माने निरंतर है, सत का मतलब निरंतर है, निरंतर हमेशा हनुमान जी इसमें कोई अंतर ना हो। देखिए, एक तो हनुमान जी महाराज की चरणों में जैसे विधि अनुसार बालाजी के नियम अनुसार एक अर्जी और दरखास्त भी लगाई जाती है, तो उसको 40 दिन तक आदमी संपूर्ण श्रद्धा विश्वास से आकर के बालाजी के यहाँ माथा टेकता है, वो करता है, तो जो बांझ होती है उसको पुत्र प्राप्त हो जाता है, निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है, और जो जिसके राज के लड़ाई झगड़े हैं मैंने देखा है प्रत्यक्ष, वो भी बालाजी महाराज की कृपा से। बालाजी की अर्जी लगाई जाए? हाँ, अर्जी की कुछ विशेष विधि होगी, कुछ नियम होगा? अर्जी की विशेष विधि है, कोई भी अपना पूज हो, कुछ भी हो जैसे है, उसके लिए कुछ ना कुछ पुष्पम पत्रम कुछ ना कुछ प्रदान किया जाता है, तो 5 रुपया लाल कपड़े में बांध करके अपनी मनोकामना प्रभु के चरणों में प्रस्तुत करते हैं और 7 बार घुमाते हैं। 7 का मतलब ये होता है 7 दिन होते हैं। अच्छा, इतवार से दिनों की गिनती होती है, तो 7 दिन में हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आए, उसी दिन के अनुसार पारिग्रहण भी 7 ही होते हैं, सप्त जन्म भी होते हैं, सप्त ऋषि भी होते हैं, 7 लोग भी होते हैं, 7 से हमारे जन्म मरण की पूरी स्थिति बनी हुई, यानी 7 बार घुमा करके उल्टी, हाँ, उल्टे हाथ से? नहीं नहीं, हाँ, सीधे हाथ से, मतलब ये उल्टा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अच्छा, और हनुमान जी को अर्पित कर दें? बिल्कुल, और सच्चे मन से जो बोलोगे, वैसे तो भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मनोकामना की, एक आदमी का संकल्प लेने के लिए कि हम 40 दिन आएंगे। अच्छा, कई लोग नंगे पैर भी आते हैं, कई बाहर का भोजन और ये सारी चीज़ समस्या वो करके, और जो है चावल नहीं खाते, कई लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, किसी प्रकार से जिसकी श्रद्धा है तो भगवान को जो बोलते हैं तो देर चाहे जो हो जाए, लेकिन काम तो होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी हनुमान जी समस्त मनोकामनाएँ ये देते हैं। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, असंभव काम को संभव बनाने वाले हैं। ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव है? मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, यहाँ नहीं चाहे आप चाहे जहाँ चले जाओ, वैसे यहाँ तो ऐसा है कि जो मूर्ति, समय पे भोजन होगा, समय पे भोग लगेगा, समय पे आरती होगी, समय पे स्नान होगा, समय पे पूजा होगी, वो इतनी सिद्ध मूर्ति होगी, इसके विशेषतर ये दक्षिणाभिमुखी मूर्ति। अच्छा, दक्षिणा अभिमुखी हनुमान, दक्षिणामुखी हनुमान जी है। तो दक्षिण में हनुमान जी लंका को गए थे, भगवान राम का जिस प्रकार से कार्य सिद्धि किया था, उस प्रकार अपने भक्तों के ऊपर पूरी कृपा बरसा के यह भी पूरी करते। आपको दक्षिणामुखी मंदिर कम संख्या में मिलेंगे हनुमान जी से, और हमारे बालाजी महाराज से प्रार्थना कि आप आगे दिन प्रति निरंतर आगे, आपका भविष्य उज्जवल हो, और इस प्रकार से भगवानों की कथा में लगे रहो, और कार को बढ़ाते बढ़ाते आपके परिवार को सुख शांति प्राप्त। बोल बालाजी महाराज जय सियाराम, जय सियाराम।